हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोसोम्स। अब हम बात करते हैं कंटिन्यूअस कल्चर की। कंटिन्यूअस नाम से ही क्लियर है कि इसमें कोई भी टाइम लिमिटेशन नहीं है, यानी ये कंटिन्यू चलता आ रहा है। जैसे एग्जाम्पल के लिए बोलूँ तो हम स्टूडेंट्स हैं, मतलब हम कब से स्टूडेंट हैं, जब से हमने एडमिशन नर्सरी में या जो भी हमारी फर्स्ट क्लास थी उसमें लिया है, तो वहां से लगाकर आज तक हम पढ़ते आ रहे हैं तो हम कंटिन्यू स्टूडेंट हैं। तो ये क्राइटेरिया कहलाता है कंटिन्यूएशन, यानी कंटिन्यूस फर्मेंटेशन वो प्रोसीजर है जो कि कंटिन्यू बिना टाइम लिमिटेशन के सतत चलती आ रही है, उसका एंडिंग नहीं हुआ है और एंडिंग जब तक नहीं होगा जब तक कि फाइनल पूरा प्रोडक्ट हमें नहीं मिल जाता। यहाँ बैच और फीड बैच फर्मेंटर से बड़ा होता है और उसका मेनली यूज जो होता है वह इंडस्ट्रियल लेवल पे होता है, जहां पर डेली वेजेस में प्रोडक्शन होता रहता है। मेनली तो इनका यूज एंटीबायोटिक प्रोडक्शन और एल्कोहल प्रोडक्शन के लिए ही किया जाता है, बट बहुत सारे अलग अलग टाइप के फर्मेंटेशन प्रोसीजर्स होते हैं जिनमें इनका यूज किया जाता है। कंटिन्यूस फर्मेंटर बहुत बड़ा होता है साइज में, तो इसकी स्टेलाइजेशन की प्रोसीजर और सारी जो प्रोसेस है वो बेच और फीड बेच फर्मेंटर से बहुत अलग होती है। इसमें हाईएस्ट अमाउंट कम से कम 1000 लीटर तक भी जाता है और लोवेस्ट अमाउंट इसका 100 लीटर तक होता है। कंटिन्यूस फर्मेंटर एक ओपन सिस्टम होता है, मतलब इसमें हम पीएच टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए या कहा जाए सब्सट्रेट या एंजाइम की कमी हो रही है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कल्चर कम हो रहा है या हमारा प्रोडक्ट ज्यादा फास्ट बनाने के लिए सब्सट्रेट का और एडिशन करना होता है तो हम इसमें ऐड कर सकते हैं। यानी कि जैसे केवल फीड बैच फर्मेंटर में हम केवल सब्सट्रेट का एडिशन करते थे, बट कंटिन्यूस फर्मेंटर में हम हर चीज का एडिशन कर सकते हैं। यह फर्मेंटर एक डिजिटल डिवाइस से जुड़ा होता है जिसमें इंडिकेशन रहता है कि इसका टेम्परेचर वेरी हो रहा है, पीएच वेरी हो रहा है या इसमें सब्सट्रेट की कमी हो रही है, प्रोडक्ट कम बन रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग जो उसके ऑपरेटर्स होते हैं उसमें उन चीजों का एडिशन करते हैं। यदि मान लीजिए कंटिन्यूस फर्मेंटर का पीएच इंक्रीज हो गया है तो उसे डिक्रीज करना है तो हम एसिड ऐड कर सकते हैं, उसमें अल्कलाइन का एडिशन किया जा सकता है। यदि सब्सट्रेट का अमाउंट धीरे धीरे कम हो रहा है तो हम इसमें सब्सट्रेट ऐड करते हैं, सब्सट्रेट का अमाउंट ज्यादा हो गया और जो कल्चर है माइक्रोबियल कल्चर उसका कंसंट्रेशन अंदर कम हो गया तो माइक्रोबियल कंसंट्रेशन के लिए हम कल्चर का एडिशन कर सकते हैं। साथ ही एंजाइम यदि कम हो गया है तो एंजाइम का एडिशन कर सकते हैं। ओवरऑल ये कहा जाए कि ये पूरी तरह से ओपन सिस्टम होता है जिसमें हम किसी भी चीज का एडिशन किया जा सके। एग्जांपल से आपको इसे समझाती हूँ। जैसे गर्मी के टाइम में घर पे नींबू पानी अधिकतर बनाया जाता है, और सपोज कीजिए कि आपके घर पे कुछ गेस्ट आए हुए हैं लगभग 4, और आपको घर पे बोला गया है कि नींबू पानी रेडी कीजिए। आप नींबू पानी रेडी ये कर रहे थे कि 2 गेस्ट और आ गए, तो आप क्या करेंगे, उसी वेसल में फिर से यानी लेमन का अमाउंट, वाटर का अमाउंट और शुगर का अमाउंट बढ़ाकर मिक्स करके फिर से उन्हें दे देंगे। वैसे ही कंटिन्यूस कल्चर भी होता है और कंटिन्यूस फर्मेंटर भी होता है कि उसमें हम जिस चीज चीज की रिक्वायरमेंट बढ़ती जाती है उसे हम ऐड करते जाते हैं और साथ में प्रोडक्ट निकालते भी जाते हैं ताकि हाईएस्ट हमें प्रोडक्ट का मिले और सब्सट्रेट का कम्प्लीटली यूटिलाइजेशन हो। कंटिन्यूस फर्मेंटर की यही विशेषता होती है कि इसमें सारे यानी कि सब्सट्रेट का, एंजाइम का, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का सबका कम्प्लीट यूटिलाइजेशन होता है और इसमें वेस्ट कम निकलता है और इसमें लार्ज लेवल का प्रोडक्ट पाया जाता है, क्योंकि कंटिन्यू यूज होने की वजह से पूरे सब्सट्रेट का यूटिलाइजेशन होता है जिसके कारण एंजाइम और माइक्रोबियल सेल में कम्प्लीटली कन्वर्ट कर देती है, जिसकी वजह से पूरे कल्चर को हमारा यूटिलाइजेशन होता है और हमारा प्रोडक्ट मिलता है। कि आपको फर्मेंटेशन प्रोसीजर्स और फर्मेंटर्स के बारे में समझ में आया होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सब्सक्राइब।